हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं अनिल कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद करता हूँ। मैं अनिल कुमार आपको, हाय फ्रेंड, क्या आप गूगल पे या फोन पे रिचार्ज करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपको 1% भी कमीशन मिलने वाला नहीं है। वहाँ पर हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कीमत लगभग 200 से 250 रुपये, लेकिन हम आपको फ्री में वो एप्लीकेशन देंगे और हम आपको उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, जिससे आप रिटेलर भी बना सकते हैं और बना सकेंगे और आप कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। जब आपके मोबाइल पे एक आईडी और पासवर्ड जाएगा तो आपको आईडी यहाँ डालना है और पासवर्ड नीचे डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका यहाँ पर नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, आपको वॉलेट दिखेगा। सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करना है। तो पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऐड मनी का ऑप्शन दिया है और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो भी चल रहा होगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भारत पे, अमेजोन पे, कुछ भी चल रहा होगा तो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आपको सीधे वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने फ़ोन पे पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आपको सीधा फ़ोन पे में ले जाएगा। फ़ोन पे में ले जाने के बाद आपको सीधा इसमें ऐड मनी पर क्लिक करके सेंड कर देना है। तो अभी मेरे को जो है ऐड नहीं करना पैसा, इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं, गैस का बिल जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं। आगे आते हैं, आपको अगर जो है किसी को डिस्ट्रीब्यूटर, आप तो खुद ही हैं, तो अगर आपको किसी को रिटेलर बनाना है तो आप यहाँ ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, उसका ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो उसके मोबाइल पर जो है आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। अब आपको अगर जो है डिस्ट्रीब्यूटर देखना है कि आपने कितने रिटेलर बनाए हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दिख जाएगा कितने आपने रिटेलर बनाने हैं। आपको अगर उनकी पेमेंट देखना है, क्या कहते हैं, उनका ट्रांजेक्शन देखना है, तो आपको यहाँ पर डाउनलाइन ट्रांजेक्शन क्लिक करना है। आपको किस स्टेट पर देखना है, आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए, किस स्टेट से किस स्टेट तक देखना है। और आप यहाँ पर जो है जो आपका डाउनलाइन है उसका नाम सर्च करना है। उसके बाद आपको सर्च करते हैं तो आपको ऐसे सीधा दिख जाएगा कि उसने कितना ट्रांजेक्शन किया है। और आपको रिचार्ज रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके टोटल जो है रिचार्ज किए हैं। उसके बाद अगर आपको रिचार्ज कमीशन देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर रिचार्ज कमीशन पर, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको प्रीपेड पर क्लिक करना है। जैसे एयरटेल का देखना है तो एयरटेल के स्लैब में ऐसे क्लिक करेंगे। अगर एयरटेल में आप 1 रुपये से 179 रुपये तक कर दें तो आपको 2.45% मिलेगा। अगर आप 180 से 299 तक करेंगे तो आपको 2.80% मिलेगा। अगर आप 300 से 10,000 तक करते हैं तो 3.05% मिलेगा। उसके बाद BSNL देख सकते हैं, BSNL का आपको 4.85% मिलेगा। आइडिया का देख लेते हैं, आइडिया का अगर आप 1 रुपये से लेकर 179 रुपये तक करते हैं तो आपको 2.80% मिलेगा। अगर आप 180 से लेकर 299 तक करेंगे 3.10% मिलेगा। और अगर 300 से आप ऊपर रिचार्ज करते हैं तो आपको 3.8% मिलेगा। अगर आपको जियो का देखना है तो जियो का आपको 3.40% मिलेगा। उसके बाद